साइबरबुलपन करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है। आज से 9 साल पहले तो आप ही सत्ता में थे, क्यों नहीं कार्रवाई की किसी पर? गोस्वामी ने लिखा है, जस करनी तस भोगहुं ताता। ये गलत सोच और गलत मानसिकता को त्यागना होगा और राष्ट्र हित में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करना होगा और नियमानुकूल कार्रवाई करने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो जैसा कर्म किया है उसको उसके अनुरूप फल मिलेगा। देखिए, अभी CBI ID यह दोनों जो कार्रवाई कर रही है वह नियमानुकूल कार्रवाई कर रही है। यह दोनों स्वतंत्र संस्था है और नियमानुकूल कार्रवाई करने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इसलिए कार्रवाई कर रही है। और जो लोग उससे बचना चाहते हैं, किसी न किसी तरीका से कार्रवाई को गुमराह और डाइवर्ट करना चाहते हैं, वैसे लोग यह नारा लगाने का काम, वैसे लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वैसे लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इसी लालू यादव पर जब चारा घोटाला केस में कार्रवाई हुई थी तो उस समय सरकार किसकी थी? उस समय तो सरकार महागठबंधन की थी, सपरंग की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे नहीं, और उस समय कार्रवाई हुई और आज कार्रवाई हो रही है तो आपको चिर पड़ रहा है। हमें लगता है कि यह गलत सोच है, यह गलत मानसिकता है। यह गलत सोच और गलत मानसिकता को त्यागना होगा और राष्ट्र हित में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करना होगा और राष्ट्र हित में जो कार्रवाई हो रही है उसे कबूल करना पड़ेगा। आप अगर निष्पक्ष हैं, आपने अगर कोई दोष नहीं किया है, तो आप साफ पाक साफ निकल जाइएगा। अरे यह बात तो हमें लगता है कि बरबोलप्पन है। नरेंद्र मोदी जी को लोग तो आने नहीं देता था। बरबोलप्पन करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है कि हम रहने नहीं देंगे। जब ये स्वतंत्र संस्था ED और CBI कार्रवाई करेगी किसी के ऊपर और कार्रवाई में आप सिद्ध होइएगा, आप पकड़े जाइएगा, आप जेल जाइएगा, तो आप कहिएगा किसी को रहने नहीं देंगे। हमें लगता है तो राजतंत्र के जैसा यह बात है, यह प्रजातंत्र है। बिहार सरकार की इजाजत के ईडी और CBI को बिहार में प्रवेश न करने दिया जाए, पत्र मुख्यमंत्री को राजद के विधायक ने लिखा। आप अगर ऐसा, तो हमें लगता है कि यह तो संविधान के प्रति ठड़ा घात है। पत्र लिखना भी संविधान के प्रति घात है। आप CBI और ED को आप प्रवेश नहीं करने देंगे तो आपका, अगर हो सकता है कि आपका निजी राज हो, या बिहार प्रजातंत्र न हो करके, लोकतंत्र न हो करके, या अगर राजतंत्र हो आपका, तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि नहीं है, न किसी करने की ताकत है, न कोई कर सकता है। यह तो भारतीय संविधान है और संविधान का जो अधिकार है वह सबके लिए है और सबको सब जगह जाने का, कार्रवाई करने के लिए जो एजेंसियां हैं सब जगह उसको कार्रवाई करने की ताकत और उसको संविधान के अधिकार प्राप्त है, इसलिए करेगी। विपक्ष, हमने कहा कि भाई जब सत्ता पक्ष में, माने केंद्र में सत्ता में है और वह किसी ने जब कोई गलत नहीं किया तो क्या कार्रवाई करिएगा? आप सत्ता में स्वयं थे तो आप क्यों नहीं कार्रवाई किए? आप वहाँ सारे लोगों को राष्ट्रभाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करते हैं, कोई गलत नहीं किया है तो आप क्या कार्रवाई करिएगा? आप तो कार्रवाई करने के लिए, आप तो सत्ता में थे, आज से 9 साल पहले तो आप ही सत्ता में थे, क्यों नहीं कार्रवाई की किसी पर? आप बीजेपी विधायक पर कार्रवाई हुई है, उसको केंद्रीय एजेंसी, आप नेताओं पर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने अपने नेताओं पर, जो हमारे नेता जब उसके मैंने दायरे में नहीं है तो हम क्यों कार्रवाई करेंगे? और आप जब दायरे में हैं तो आप कार्रवाई से क्यों भाग रहे हैं? आप अगर निष्पक्ष हैं तो कार्रवाई होने दीजिए। सेहत का हवाला, अगर ऐसा कोई हो कि कोई हत्या किया हो, कोई देश को लूट लिया हो और लूटने के बाद उनको सेहत के अनुसार उनको सजा और दंड हो, तो यह तो मैंने, हमें लगता है कि यह तो कानून और संविधान ही बताएगा। इसके लिए किसी को छूट नहीं है। जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। तो परिवार की पेशी है, CBI अपना काम कर रही है। गोस्वामी ने लिखा है, जस करनी तस भोगहुं ताता। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसको भोगना पड़ेगा। और आपको भी मालूम है, अपने देश में बहुत पहले से कहावत चरितार्थ है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा कर्म किया है उसको उसके अनुरूप फल मिलेगा और यही मिलेगा। ये भ्रष्टाचारियों के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपके यहाँ आई है कोई सरकारी एजेंसी क्या? यहाँ खड़े किसके यहाँ गई है सरकारी एजेंसी, जरा मुझे बता दीजिए। जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति बनाई है, उनका पुराना इतिहास खंगाल लीजिए। क्या पुस्तैनी इतिहास खंगाली, कहाँ से इतने पैसे आए, इतने किस प्रकार इतने पैसे बनाए, इन सवालों का जवाब ED को बता देंगे
ईडी संतुष्ट हो जाएगी तो ये क्लीन चिट हो जाएंगे। इसमें ईडी निष्पक्ष संस्था है, सीबीआई निष्पक्ष संस्था है। आपको मालूम है कि सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में लीडर अपोजिशन भी लोकसभा का एक मेंबर होता है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, तो सीबीआई अपनी बात कर रही है, ईडी अपनी बात कर रही है। यहाँ खड़े किन लोगों के पास सीबीआई आई है, ईडी आई है? तो इस प्रकार की भ्रामक बातें करना, जांच को अपने जगह से भटकाना, ये सब गलत बात है। सीबीआई और ईडी चाहे कोई भी इस तरह की निष्पक्ष संस्था है, उसको अपना काम करने दीजिए।